ओके, लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इंसानों के अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर दो ओपनिंग्स होती हैं। एक ओपनिंग जो है वो माउथ है और दूसरी ओपनिंग जो है वो एनस है। माउथ जो है वो फूड के एंट्रेंस के लिए है और एनस जो है वो वेस्ट मटेरियल जो है उसके रिमूवल के लिए है। दूसरा ये कि ट्यूब लाइक गट के अलावा इसके साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप ग्लैंड्स कहते हैं। तो उसके अंदर सेलिवरी ग्लैंड्स आ जाते हैं, इसके अलावा लिवर आ जाता है और पेनक्रियाज आ जाता है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो माउथ से स्टार्ट होता है, एनस पे एंड होता है, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। माउथ इसके अंदर नहीं है, इन्होंने एसोफेगस से यहाँ पे इमेज दी हुई है। तो लेट्स स्टार्ट एंड वन बाय वन हम देखते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर है, किस तरह का बना हुआ है और उसका काम जो है वो क्या है। ना माउथ जो है वो हमारी एंटीरियर ओपनिंग है, एंटीरियर भी कह सकते हैं, अपर भी कह सकते हैं। तो एंटीरियर ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल की और इसकी जो बाउंड्रीज बनाते हैं वो दो लिप्स बनाते हैं जिन्हें आप अपर एंड लोअर लिप कहते हैं। साइंस के अंदर, बायोलॉजी के अंदर या मेडिकल के अंदर आपको ना एक्सप्लेन करना पड़ता है कि किसी भी चीज़ की जो है वो बाउंड्री क्या है, उसके एंटीरियर पोस्टीरियर आगे पीछे क्या है, उसके साइड्स में क्या है। तो चूंकि ये एक ओपनिंग है तो इस ओपनिंग को बनाने के लिए दो हमारे पास लिप्स मौजूद हैं जो कि इसकी बाउंड्रीज बनाते हैं, अपर एंड लोअर लिप। और इसका जो मेन पर्पस होता है, ये जस्ट ओपनिंग है, माउथ जो है वो जस्ट ओपनिंग है। पूरा का पूरा हिस्सा जो इसके अंदर आपका दांत वगैरह होते हैं वो आपका माउथ नहीं कहलाता। साइंस के अंदर उसे वकल कैविटी कहते हैं, हम तो कंबाइन जो है वो माउथ कह देते हैं। बट माउथ इज जस्ट दी ओपनिंग के जिसके थ्रू खाना इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट होने के बाद जब वो अंदर जाता है तो वो एक दूसरी एरिया के अंदर जाता है जिसको आप ओरल कैविटी या बकल कैविटी का नाम देते हैं। तो माउथ का जो मेन काम है वो इंजेशन है, ठीक है। इंजेशन के बाद जो फूड एंटर होती है वो इस एक कैविटी के अंदर होती है जिसको आप ओरल कैविटी कहते हैं। ना ओरल कैविटी जो है, अगेन उसकी भी बाउंड्रीज है, दो जॉज है, एक अपर जॉ है और एक लोअर जॉ है जिसे जबड़ा कहते हैं। ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है लिप्स के अंदर, ठीक है, लिप्स जो है ये एक ओपनिंग को बना रहे हैं और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। दिस ओपनिंग इज माउथ और लिप्स के अंदर का जितना भी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, That is known as the oral cavity. तो इस oral cavity की boundaries के अंदर इसकी एक anteriorly जो है आगे की तरफ जो है एक upper boundary है जो कि आपका jaw है जिसके साथ दांत लगे हुए हैं और एक नीचे वाला jaw है जिसके साथ दांत लगे हुए हैं। अगर हम अब इसके floor की बात करें तो इसका floor जो है वो बनता है tongue से, ठीक है। Floor जो है वो जबान बनाती है और इसकी एक roof है, इस space की एक छत है और वो छत जो है वो आपका palate बनाता है। पैलेट के दो पार्ट्स होते हैं। अगर आप अपनी उंगली जो है वो अपने ऊपर वाले दांतों के पीछे लेके जाएं तो इनिशियली आपको एक हार्ड स्ट्रक्चर नजर आएगा, फील होगा, एक हार्ड स्ट्रक्चर। ये भी पैलेट कहलाता है, इसे हार्ड पैलेट कहते हैं। और अगर आप पीछे चले जाएंगे तो इसके अगला हिस्सा जो होता है वो सॉफ्ट पैलेट कहलाता है। तो हार्ड पैलेट जो है वो एंटीरियरली मौजूद है, आगे की तरफ मौजूद है, और जो सॉफ्ट पैलेट है वो पोस्टीरियरली मौजूद है। और सॉफ्ट पैलेट का जो एंडिंग स्ट्रक्चर होगा जो कि लटक रहा होता है नीचे की तरफ, जो कि आपको जैसे आमतौर पे लोग कव्वा कहते हैं कि मुंह खोलो तो अंदर कव्वा लटक रहा है, वो बेसिकली यूविला होता है, ठीक है। तो ये जो मस्कुलर सा पोर्शन नजर आ रहा है माउथ ओपन करने में अंदर, तो दिस इज नोन एज यूविला, ठीक है। तो फ्लोर हो गया जो कि आपका फ्लोर उससे टंग से बना हुआ है और जो रूफ है वो पैलेट से बनी हुई है जिसमें हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है एंड देन पीछे यूविला है। अब साइड्स की अगर हम बात करें, साइड की दीवारों की अगर हम बात करें तो वो चीक्स हैं, ठीक है। साइड्स की दीवारें चीक से बनी हुई हैं। एंटीरियरली क्या है, इस ओरल कैविटी के आगे की तरफ एंटीरियरली माउथ है यानी वो ओपनिंग है, और पोस्टीरियरली क्या है, पोस्टीरियरली एक चेंबर है जिसको आप फेरिंग्स का नाम देते हैं जो कि कॉमन पैसेज होता है जिसके बाद आगे जाके वो डिवाइड हो जाता है दो सेगमेंट्स के अंदर। एक एरिया जो है उससे खाना जाता है और एक पाथवे जो है जिससे एयर जाती है। तो दोनों जॉ जो थे जो कि इसकी इसको जो है वो गार्ड कर रहे थे, इसकी जो बाउंड्री बना रहे थे, अगली बाउंड्री जो बना रहे थे, तो इन जॉस के अंदर जो है वो टीथ होते हैं जो कि कटिंग और ग्राइंडिंग ऑफ फूड के काम आते हैं। तो यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है ओरल कैविटी के अंदर और केमिकल डाइजेशन भी होती है। मैकेनिकल डाइजेशन किससे होगी, इन जॉस के अंदर एक जॉ जो है वो मूव करता है और एक जॉ फिक्स है, जो अपर जॉ है वो फिक्स रहता है और जो लोअर जॉ है, जो निचला जबड़ा है, वो मूव करता है। एक यहाँ पे जॉइंट होता है, अगर आप कान के अराउंड जो है वो फील करें, जब आप मुंह खोलेंगे तो यहाँ पे आपको मूवमेंट फील होगी, दिस इज नोन एज टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट।
तो ये ज्वाइंट होता है जो कि असल में नीचे वाले जबड़े को मूव कराता है। तो जब नीचे वाला जबड़ा जो है वो ऊपर वाले जबड़े से जाके टकराएगा, इसके अंदर जो दांत है वो टकराएंगे, तो कटिंग और ग्राइंडिंग के काम आता है, विच इज नोन एज मैकेनिकल डाइजेशन। इसके अलावा यहाँ पे केमिकल डाइजेशन भी होती है, क्योंकि यहाँ पे सलाइवा रिलीज होता है, सलाइवा के अंदर एंजाइम मौजूद होता है, अमाइलेज एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, तो दोनों तरह की डाइजेशन होती है। सो दिस इज दी इमेज जो कि सामने से ली गई है, दिस इज द सॉफ्ट पैलेट, पीछे इतनी अच्छी इमेज नहीं है। तो मैंने बताया कि अगर आप अगले ऊपर वाले जो दांत है उनके पीछे उंगली रखेंगे और अंदर की तरफ जाएंगे तो इनिशियली हार्ड स्ट्रक्चर फील होगा, वो हार्ड पैलेट है, और उसके पीछे सॉफ्ट स्ट्रक्चर है जो सॉफ्ट पैलेट कहलाता है। वेस्टिब्यूल किसे कहते हैं, अगर आप अपने दांत जो है वो बंद कर लें, दोनों दांत बंद कर लें, तो दांत और ये जो लिप्स के दरमियान का हिस्सा है ये आपका वेस्टिब्यूल कहलाता है, यानी लिप्स के पीछे और दांत के आगे ये जितना भी एरिया है वो आपका वेस्टिब्यूल कहलाता है। तो इनमें से एक एक स्ट्रक्चर के ऊपर इन्होंने जो है वो डिटेल दी हुई है। तो पहले बात कर लेते हैं टीथ की। टीथ जो है हमारे वो सॉकेट के अंदर होते हैं, जाहिर है ये बिल्कुल ऐसे ही नहीं है, शोपीस के तौर पे नहीं है, ये अंदर जड़े हुए हैं। तो इन सॉकेट्स में होने की वजह से इस कंडीशन को हम थीकोडोंट का नाम देते हैं। तो दोनों जॉज जो है उसके अंदर सॉकेट्स मौजूद है और उसके अंदर आपके टीथ जो है वो अंदर बैठे हुए हैं ताकि इतनी आसानी से निकलना है। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड थीकोडोंट। हमारे पास दो सेट होते हैं टीथ के, एक जो है वो डेसिडुअस मिल्क कहलाते हैं या मिल्क टीथ कहलाते हैं, जो कि बचपन में आते हैं, थर्ड या सिक्स मंथ के अंदर ही आना शुरू हो जाते हैं और तीन साल की एज तक ये पूरे हो जाते हैं। और उसके बाद आपके आते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ जो है वो छः या सात साल की उम्र में आना शुरू होते हैं और मेरे ख्याल में 12 साल तक में आ जाते हैं। लेकिन जो वो हैं जो थर्ड मोलर हैं जिसे आप कहते हैं विजडम टीथ, ठीक है, वो थोड़ा सा लेट आते हैं। तो चूंकि हमारे पास दो सेट है तो इसके लिए वर्ड यूज होता है डाइफायोडोंट। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। थीकोडोंट का मतलब ये है कि अगर जॉ जो है वो जबड़े के अंदर है, जैसे आप एक एनिमल देखते हैं जो कि आपकी फिश लाइक होती है, क्या नाम है उसका, लैम्प्री। तो लैम्प्री को अगर आप देखें तो लैम्प्री के जो दांत हैं, मैं दिखाता हूँ इसके अंदर, दिस इज अ गुड इमेज विच एक्सप्लेन्स थीकोडोंट। थीकोडोंट के अंदर क्या है कि जॉ बोन जो होती है, जैसे कि हमारी मैंडिबल है या ऊपर वाली बोन है जिसे मैक्सिला कहते हैं, तो उसके अंदर सॉकेट से बने हुए होते हैं और ये जो दांत है वो सॉकेट के अंदर होता है और यहाँ पे इनकी रूट्स मौजूद होती है। तो रूट्स जो है वो पेनिट्रेट करती हैं इसको और सॉकेट के अंदर मौजूद होता है। जबकि इसके बरक्स दो हमारे पास वैरायटी होती है, जैसे एक्रोडोंट है या प्लूरोडोंट है, तो इनके अंदर इस तरह के कोई सॉकेट्स नहीं होते और रूट्स जो है वो अटैच नहीं होती है उसके साथ। तो एक्रोडोंट के अंदर क्या होता है, बस इसकी जो सरफेस होती है वो जॉ बोन के ऊपर, दिस इज द जॉ बोन, और ये दांत की जो लोअर सरफेस है वो बस आपस में फ्यूज हुई हुई होती है। जबकि प्लूरोडोंट जो होता है उसके अंदर भी सिर्फ इनर सरफेस, ये जो जॉ बोन है नीचे, इसकी इनर सरफेस के अंदर दांत लगा हुआ होता है, लेकिन इसकी कोई रूट्स जो है वो इसके साथ अटैच नहीं होते हैं। तो ये एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट कहलाते हैं जिनके अंदर विदाउट सॉकेट्स जो है वो टीथ अटैच होता है। इसी तरह से दो टर्मिनोलॉजीज और हैं, एक होमोडोंट है और एक हेट्रोडोंट है। हेट्रोडोंट का मतलब ये होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ मौजूद होंगे, जैसे कि हमारे पास चार वैरायटी के दांत जो है वो मौजूद होते हैं जो डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट फंक्शन उनका होता है, डिफरेंट साइज के होते हैं। जबकि होमोडोंट का मतलब ये होगा कि सारे दांत जो है वो सेम वैरायटी के हैं। इसी तरह से कुछ और टर्मिनोलॉजीज भी होती हैं, जैसे मोनोफायोडोंट। जैसे हमने डाइफायोडोंट पढ़ा था कि हमारे पास दो तरह के दांत होते हैं, एक पहले आते हैं जो कि जिन्हें मिल्क टीथ कहते हैं, यानी जिन्हें डेसिडुअस टीथ कहते हैं, जो फिर रिप्लेस हो जाते हैं बाय द परमानेंट टीथ। कुछ के अंदर ऐसे होते हैं जो मोनोफायोडोंट होते हैं, एक ही दांत होते हैं जो कि लाइफ टाइम होते हैं, और कुछ में पॉलीफायोडोंट होते हैं यानी जिनके अंदर रिपीटेडली दांत जो है वो आते रहते हैं। खैर, तो हमारे पास हम थीकोडोंट है, हमारे पास जॉ, हमारे पास सॉकेट मौजूद है कि जिसके अंदर दांत जो है वो अटैच है उसकी रूट्स के साथ, और उसी के थ्रू जो है वो दांत के अंदर एंटर होती है, हमारी ब्लड वेसल भी एंटर होती है और नर्व भी एंटर होते हैं। हम डाइफायोडोंट हैं क्योंकि हमारे पास दो तरह के दांत हैं, डेसिडुअस या मिल्क टीथ, जो कि 20 इनका नंबर होता है टोटल, जबकि जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 होते हैं। एंड बिकॉज वी हैव डिफरेंट साइज एंड शेप एंड फंक्शन ऑफ टीथ, डिफरेंट वैरायटी के होते हैं, तो वी आर नोन एज हेट्रोडोंट। जो परमानेंट दांत हैं उनके 32 दांतों के अंदर हमारे पास 8 जो है वो इंसाइजर्स होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। इसी तरह से 4 कैनाइंस होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, 8 प्री मोलर्स होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, और 12 मोलर्स होते हैं, 6 ऊपर 6 नीचे। तो दीज आर द डेसिडुअस टीथ।
तो उसके अंदर ये दो हैं हमारे पास जो कि सबसे पहले आते हैं, जिन्हें सेंट्रल इंसाइजर कहते हैं। ठीक है, ये दोनों सेंट्रल इंसाइजर हैं और उसके बाद ये लेटरल इंसाइजर हैं। ठीक है, इनके साथ जो लिखा हुआ है, इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो ये लिखा हुआ है कि ये किस टाइम पे आना शुरू होते हैं, तो 7.5 मंथ। ठीक है, 7.5 मंथ जो है, 6 to 9 मंथ होते हैं, सॉरी 6 to 9 मंथ के दरमियान में ही आना शुरू हो जाते हैं, छठे महीने के बाद से। कुछ में छठे महीने में, कुछ में सात में, कुछ में आठवें महीने में। तो 7.5 मंथ पे जो पहले दांत आते हैं वो सेंट्रल इंसाइजर्स हैं। उसके बाद देखें डिफरेंट टीथ जो हैं वो डिफरेंट टाइम पे आ रहे हैं, जैसे कि लेटरल इंसाइजर्स हैं वो 9वें मंथ में आ रहे हैं, कस्पिड हैं ये 18वें महीने में आ रहे हैं, फर्स्ट मोलर जो है वो 14 महीने पर आ रहा है, सेकेंड मोलर जो है वो 24 मंथ पर आ रहा है। ठीक है, तो अराउंड 3 साल की एज तक जो है ये सारे आ चुके होते हैं। इसमें अगर हम देखें, हाँ देखिए, इसके अंदर ये हार्ड पैलेट भी इन्होंने दिखाया है। सो दिस इज द हार्ड पैलेट, ये दांतों के पीछे अगर आप ये हार्ड स्ट्रक्चर फील करेंगे तो दिस इज द हार्ड पैलेट। खैर, तो इसके अंदर हमारे पास सेंट्रल इंसाइजर आ रहा है कब, 7 से 8 साल की एज में, इसको रिप्लेस कर देगा डेसिड्यूस टीथ को, सेंट्रल इंसाइजर परमानेंट टीथ आ जाएंगे। जो लेटरल इंसाइजर है वो 8 से 9 साल की एज के अंदर आ रहा है। ठीक है, जो केनाइंस है आपके वो 11 से 12 साल की एज के अंदर आ रहे हैं, फिर फर्स्ट मोलर है, सेकेंड मोलर है, जो थर्ड मोलर है, अब इसमें से देखेंगे लास्ट जो दांत आए हुए हैं वो 12 से 13 साल की एज में आए हुए, और उसके बाद एक बीच में गैप आया हुआ है, और उस गैप के बाद 17 से 21 साल की एज में आपके विजडम टूथ आता है, जिसको आप थर्ड मोलर कहते हैं, जो बिल्कुल आखिरी दांत जो होते हैं। ठीक है, तो विजडम टूथ या फिर थर्ड मोलर जो है उनका कोई प्रेडिसेसर नहीं है, यानी उनका कोई वो नहीं था, मिल्क टीथ नहीं था, तो बाकी दांत जो है उनके मिल्क टीथ होते हैं, लेकिन ये जो थर्ड मोलर होते हैं इनका कोई मिल्क टीथ नहीं होता, एंड ये सबसे लेट आते हैं। तो इंसाइजर्स का काम जो है वो कटिंग है, बाइट करने के काम आते हैं, जो फ्रंट पे दांत हैं बाइट करने के काम आते हैं और कट करने के काम आते हैं। इनकी फ्लैट शार्प एजेस होती हैं, ये बड़े पीसेस जो है उनको स्मॉलर पीसेस के अंदर तोड़ने के काम आते हैं। कैनाइज जो है वो टेयरिंग के अंदर काम आते हैं, और फ्लैश जो है उसको चीर फाड़ करने के काम आते हैं। प्री मोलर्स एंड मोलर्स जो है वो ग्राइंड और क्रश करने के काम आते हैं। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो कि इस ओरल कैविटी के अंदर मौजूद है, एंड दैट इज टंग। टंग जो है वो मस्कुलर ऑर्गन है, टंग के अंदर अच्छे खासे मसल्स जो है वो मौजूद होते हैं। ये हायोइड बोन के साथ अटैच होता है, हायोइड बोन जो है वो आपकी यहाँ पर मौजूद होती है। सो दिस इज द कट ऑफ हायोइड बोन, इसको अगर मैं दिखाऊं, सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द हायोइड बोन। तो इस हायोइड बोन के साथ जो है वो टंग के मसल्स जो है वो अटैच होते हैं। ये हायोइड बोन है, ठीक है, ये आपका लैरिंग्स है, ठीक है, ये आपकी एडम्स एप्पल जैसे कहते हैं, जो कि प्रोमिनेंसी फील होती है, जो कि मेल्स में ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, ये थायराइड कार्टिलेज है। खैर, तो हायोइड बोन के साथ जो है वो ये अटैच होता है, जो टंग है वो अटैच होती है। इसका जो पोस्टीरियर और मिडिल है, पोस्टीरियर और मिडिल जो है वो फिक्स है, जबकि इसकी जो टिप है एंटीरियरली जो है वो फ्री है। अपर सरफेस जो होती है उसके अंदर बहुत माइन्यूट प्रोजेक्शंस होती हैं, बहुत छोटी छोटी सी प्रोजेक्शंस होती हैं, जो कि इसके अंदर बड़ा करके दिखाया हुआ है, इनको पैपिला कहते हैं। यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं, जो कि किसी भी केमिकल के टेस्ट जो है उसकी पहचान के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो अंडर सर्फेस होती है, यानी जबान को जब आप ऊपर की तरफ उठा के नीचे देखते हैं, तो नीचे की तरफ एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जिसको फर्नेलम कहते हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ। टंग का काम क्या होता है, इसका काम एक तो मिक्सिंग होता है, ये मिक्सिंग में हेल्प करती है फूड को जो है वो इधर से उधर मूव करने में। स्वेलोइंग के अंदर इसका एक रोल होता है, टेस्ट के अंदर इसका रोल है, क्योंकि टेस्ट बड्स जो है वो इसके ऊपर मौजूद है, और स्पीच के अंदर जो है वो टंग का रोल होता है। सो दिस इज द फोल्ड जिसको आप फ्रेनेलम कहते हैं। कुछ बच्चों के अंदर जो है ये फ्रेनेलम बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से उनकी टंग की मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रही होती है, तो इसके लिए एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, इसको टंग टाई भी कहते हैं। तो टंग टाई एक्सीजन के नाम से एक ऑपरेशन होता है, स्पेस पे कट लगा देते हैं, तो ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाती है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सेलिवरी ग्लैंड्स, जो कि एसोसिएटेड हैं इस ओरल कैविटी के साथ। तो सेलिवरी ग्लैंड्स जो हैं, ये हमारे पास 3 जो है वो मेजर वैरायटी हैं, और इसके अलावा बहुत सारे माइनर जो हैं वो ग्लैंड्स हैं, जो कि एक वाटरी सीक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, जिसको आप सलाइवा कहते हैं। इस सलाइवा के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं और इसके कुछ फंक्शंस हैं। तो सलाइवा जो है उसका एक काम लुब्रिकेशन है, फूड के साथ ये मिक्स हो जाता है और उसको मॉइस्ट कर देता है, जिसकी वजह से मैकेनिकल डाइजेशन जो है वो भी इजी हो जाती है और उसको निगलना जो है वो भी इजी हो जाता है। अगर आप बहुत ही हार्ड फूड जो है उसको निगले, तो जो म्यूकोजा होती है, जो कि अंदर की लाइनिंग होती है फेरिंग्स की भी, और जो भी इसोफेगस है उसकी लाइनिंग जो है
वो डैमेज हो सकती है। तो लुब्रिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर सिलेवरी ग्लैंड रोल प्ले करते हैं। दूसरा ये है कि इसके अंदर एंजाइम होते हैं जिसको आप सिलेवरी अमाइलेज कहते हैं। अमाइलेज के साथ जो है वो सिलेवरी लगाने का मकसद ये है कि एक अमाइलेज जो है वो पेनक्रियास से भी आता है, तो उनको उसको पेनक्रियाटिक अमाइलेज कहते हैं। तो दोनों एंजाइम्स जो है वो स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। दूसरा इसके अंदर एक और एंजाइम होता है जिसको लाइसोजाइम कहते हैं। लाइसोजाइम जो है वो बैक्टीरिया को किल करने के काम आता है, तो खाने के साथ जो भी बैक्टीरिया है हार्मफुल बैक्टीरिया उनको किल करने के काम आता है। तो लुब्रिकेशन, देन स्वेलोइंग, लुब्रिकेशन जो कि स्वेलोइंग में हेल्प कर रही है, केमिकल डाइजेशन हो रही है, और तीसरा जो है कुछ हद तक बैक्टीरिया से जान छुड़ा रहे हैं। तो केमिकल डाइजेशन जो है वो ओरल कैविटी के अंदर स्टार्ट हो जाती है। हमारे पास तीन जोड़ियां हैं मेजर सिलिवरी ग्लैंड की, सिर्फ तीन नहीं है, जो मेजर है वो तीन जोड़ियां हैं, यानी छः के करीब हमारे पास मेजर सिलिवरी ग्लैंड है, और इसके अलावा माइनर सिलिवरी ग्लैंड जो है वो मौजूद होते हैं। तो इसमें से पैरोटिड ग्लैंड है जो कि बेस ऑफ द पेना के अराउंड होता है, दिस इज द पेना, एक्सटर्नल एयर जो है उसको पेना कहते हैं। तो इसके अराउंड ये जो पिंकिश स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज द पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो है ये मम्स के अंदर, मम्स एक कंडीशन होती है, वायरल कंडीशन होती है कि जिसके अंदर ये पैरोटिड ग्लैंड जो है ये स्वेल हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है। इसके अलावा दूसरी जो है हमारे पास उसमें सबलिंगुअल है जो कि जबान के नीचे है, दिस इज नोन एज सबलिंगुअल ग्लैंड। ये भी दो होते हैं, एक राइट पे और एक लेफ्ट पे, और दो होते हैं जिन्हें आप सबमेंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं। मैंडिबल आपका लोअर जॉ है, ठीक है, इसमें भी इतनी अच्छी नहीं बनी हुई। तो मैंडिबल जो है ये आपका लोअर जॉ होता है, तो इस लोअर जॉ के नीचे जो है, दिस इज द जॉ, ठीक है, इस लोअर जॉ के नीचे जो है यहाँ पे सबमेंडिबुलर ग्लैंड होते हैं। तो ये तीनों ग्लैंड जो है ये मेजर के अंदर आते हैं, इसके अलावा कुछ माइनर ग्लैंड भी होते हैं। सिलिवरी ग्लैंड जो है उनका कंट्रोल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पास होता है। हमारे पास नर्वस सिस्टम जो है उसकी दो ब्रांचेज होती हैं, एक को हम कहते हैं सोमेटिक, वो तमाम स्ट्रक्चर्स जो मेरे कंट्रोल में हैं वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम से सप्लाई होते हैं, जैसे मेरे हाथ के मसल्स हैं, मेरे पैर के मसल्स हैं, मैं जब चाहता हूँ मूव करता हूँ, और वो तमाम हिस्से मेरी बॉडी के कि जो खुद से कंट्रोल हो रहे हैं, जो मेरे अख्तियार में नहीं है, वो ऑटोनॉमिक है, जैसे मेरी ब्लड वेसल है, ठीक है, मेरी आईज के मसल हैं, आईज के वो मसल जिससे मैं देखता हूँ, मैं आँख इधर उधर करता हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है, लेकिन जिससे मेरा पीपल का साइज छोटा बड़ा होता है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मसल्स हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसी तरह सेलिवरी ग्लैंड जो है उनका भी कंट्रोल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पास है। अमाउंट ऑफ सलाइवा जो रिलीज होता है वो कांस्टेंट है, तकरीबन 1 से 1.5 लीटर जो है वो 24 आवर्स के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो सलाइवा के फंक्शन हमने पढ़ लिया, देन लेट्स टॉक अबाउट द फेरिंग्स। ओके, सो फेरिंग्स जो है वो कॉमन पैसेज है कि जिसके थ्रू खाना भी गुजरता है और हवा भी गुजरती है। फेरिंग्स जो है वो आगे कनेक्टेड होता है किस चीज के साथ, ओरल कैविटी के साथ और नेजल कैविटी के साथ। इफ यू सी इन दिस डायग्राम, तो दिस इज द नोज, ठीक है, और ये नेजल कैविटी है, ठीक है। नेजल कैविटी जहाँ पे खत्म होती है उसके पीछे हिस्सा नेजोफेरिंग्स कहलाता है, ठीक है, ये फेरिंग्स का वो हिस्सा है जो कि नेजल कैविटी के साथ है। फिर यहाँ से माउथ स्टार्ट होता है, माउथ के बाद ये ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी जहाँ पे खत्म होती है उसके पीछे का जो हिस्सा है वो ओरोफेरिंग्स कहलाता है, ठीक है, और उसके बाद नीचे एक और हिस्सा होता है फेरिंग्स का, वो कहलाता है लेरिंजोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स जो है ये वो हिस्सा है जो कि आगे की तरफ ओरल कैविटी और नेजल कैविटी के साथ कनेक्टेड है, और पीछे जो है पीछे की तरफ पोस्टीरियरली जो है ये कनेक्टेड है दो एरियाज के साथ, जिसको इसोफेगस कहते हैं और लैरिंग्स कहते हैं। यानी ये एक कॉमन पैसेज है, एक रोड है जो कि आगे जाकर दो रोड्स में डिवाइड हो जाता है। एक आगे की तरफ का रोड होता है, दिस इज द फेरिंग्स, ठीक है, और ये आगे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये एक लैरिंग्स और ट्रेकिया बनाएगा, और पीछे की तरफ जो है इसका वो इसोफेगस होगा, ठीक है। तो फेरिंग्स जो है वो सॉलिड और लिक्विड को भी अलाउ करता है जाने के लिए, अपने अंदर से गुजरने के लिए, और फिर वो आगे जाके इसोफेगस में जाते हैं, या जिसे गलेट कहते हैं उसमें जाते हैं, और यहीं से एयर जो है वो कंडक्ट होती है टू एंड फ्रो, और ये जाती है फिर ट्रेकिया के अंदर, या जिसे विंड पाइप कहते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अच्छा, फेरिंग्स जो है वो ना सिर्फ आगे और पीछे की तरफ कनेक्टेड होता है, आगे हमने देख लिया माउथ ओरल कैविटी के साथ और नेजल कैविटी के साथ, और पीछे की तरफ कनेक्टेड है किसके साथ, इसोफेगस और लैरिंग्स या ट्रेकिया के साथ। इसके अलावा फेरिंग्स जो है वो कनेक्ट होता है आइदर साइड, दोनों तरफ जो है वो मिडिल ईयर के साथ। हमारा जो एयर है उसके तीन हिस्से होते हैं, जो एयर ड्रम होता है उससे बाहर का हिस्सा एक्सटर्नल एयर कहलाता है, जो एयर ड्रम और जो अंदर का जो हिस्सा है उसके दरमियान जहाँ पे बोन्स होती हैं, एयर बोन्स होती हैं, वो मिडिल एयर कहलाता है, और फिर जहाँ पे आपका जो
एयर का इंटरनल हिस्सा होता है कि जहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, वो इंटरनल एयर कहलाता है या इनर एयर कहलाता है। तो जो मिडिल एयर होता है यानी एयर का दरमियानी हिस्सा जो होता है, उसका और फेरिंग्स का एक कनेक्शन होता है जिसको यूस्टेचियन ट्यूब कहते हैं। ये यूस्टेचियन ट्यूब जो है ये असल में एयर प्रेशर को इक्वलाइज करने के काम आती है एयर ड्रम की मेम्ब्रेन के ऊपर। इसको मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, सो दिस इज द यूस्टेचियन ट्यूब, दिस इज द एयर, ठीक है। यहाँ से बाहर का ये एयर ड्रम है, एयर ड्रम से बाहर का जितना भी एरिया है दिस इज नोन एज द एक्सटर्नल एयर। उसके बाद दरमियान वाला हिस्सा होता है जिसके अंदर बोन्स होती हैं, दिस इज नोन एज द मिडिल एयर, ठीक है। और फिर ये अंदर जो गूंगे की तरह का स्नेल की तरह का स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज द इनर एयर। तो मिडिल एयर जो है उसका और फेरिंक्स का एक कनेक्शन होता है जिसको आप कहते हैं यूस्टेचियन ट्यूब, जो कि इस एयर ड्रम के ऊपर जो प्रेशर होता है उसको इक्वलाइज करने के काम आता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जिस तरह टंग होती है, टंग के अंदर जो है बहुत सारे मसल्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से फेरिंग्स जो है उसके अंदर भी मसल्स होते हैं जिन्हें फेरेंजियल कंस्ट्रक्टर कहा जाता है, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होते हैं और फेरिंग्स की पूरी वॉल जो है वो बनाते हैं। फेरिंग्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्वेलोइंग के अंदर। तो स्वेलोइंग का जो पूरा मैकेनिज्म है उसके अंदर टंग का रोल भी आता है, जबान का भी रोल होता है, फेरिंग्स का भी रोल होता है, इसके अंदर जो पैलेट है सॉफ्ट पैलेट जो है या जो यूवुला होता है उसका भी रोल होता है। पहले इस इमेज को देख लेते हैं। सो दिस इज द टंग, और ये टंग के जो है हमारे पास मसल्स हैं जिन्हें खोल के दिखाया गया है। ये डॉर्सल सरफेस है, डॉर्सल सरफेस है जो कि आपको नजर आ रही होती है, जिसके ऊपर पेपिला लगे हुए होते हैं, जिसके ऊपर आपके टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं। एंड दीज आर द मसल, ये स्टाइलोग्लॉसिस है या हायोग्लॉसिस है या फिर जीनियोग्लॉसिस है। तो ये मल्टीपल मसल्स हैं जो एक्चुअली एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है टंग, वो असल में मल्टीपल मसल्स हैं जिनके मिलने से बनी हुई होती है। बिल्कुल इसी तरह फेरिंग्स जो है हमारे पास वो भी कुछ मसल्स के मिलने से बना हुआ होता है जिनको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर ये सुपीरियर कंस्ट्रक्टर कहलाता है, ये मिडिल है और ये इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ये तीन हिस्से हैं फेरिंग्स के जो कि मैं आपको बता रहा था। ये बहुत अच्छी डायग्राम है, दिस इज द नोज, ठीक है। ये नेयर्स हैं और उसके बाद जो है ये स्पेस है जिसको आप नेजल कैविटी कहते हैं। तो नेजल कैविटी जहाँ पे खत्म होती है वहां पे जो पिछला हिस्सा है वो कहलाता है नेजोफेरिंक्स, ठीक है। ये ब्लू कलर का जो एरिया है दिस इज कॉल्ड नेजोफेरिंक्स। अच्छा, नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के दरमियान में दीवार है, दिस इज नोन एज द पैलेट। तो इसके अंदर ये कुछ हिस्सा अगला हिस्सा है, दिस इज नोन एज द हार्ट पैलेट। अगर आप अपने दांतों के पीछे उंगली रखेंगे तो यहाँ तक का हिस्सा जो है आपको हार्ड फील होगा, दैट इज द हार्ट पैलेट। उसके बाद ये थोड़ा सा हिस्सा सॉफ्ट पैलेट है और सॉफ्ट पैलेट एंड होता है इस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर जो कि लटक रहा होता है ओरल कैविटी में, दिस इज नोन एज द यूविला, ठीक है। अच्छा, ये माउथ है, माउथ के बाद ये पूरी टंग है, ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसके ऊपर लाइनें बनी हुई, दिस इज द टंग। और टंग और हार्ट पैलेट के दरमियान ये जो बारीक सी लाइन नजर आ रही है दिस इज एक्चुअली द ओरल कैविटी। तो ये ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी जहाँ खत्म हो रही है उसके पीछे का हिस्सा जो है हमारा वो कहलाता है ओरोफेरिंक्स, ये भी फेरिंक्स का पार्ट है। और उसके नीचे का जो हिस्सा है बिफोर लैरिंक्स, दिस इज द लैरिंक्स, ठीक है। और आगे ट्रैकिया है और इसोफेगस, उससे पहले का जो हिस्सा है वो कहलाता है लैरिंगोफेरिंक्स। तो ये फेरिंक्स के तीन हिस्से होते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे स्वेलोइंग की, कि खाना जब जो है वो अंदर की तरफ मूव करता है, तो जब सफिशियंट च्यूइंग हो जाती है, जब मैस्टिकेशन हो जाती है, जब चबा लिया जाता है खाना और वो मिक्स हो जाता है सलाइवा के साथ और वो सॉफ्ट हो जाता है, तो वो एक बॉल की शक्ल अख्तियार कर लेता है जिसको आप बोलस कहते हैं। तो बोलस जो है उसको पीछे पुश किया जाता है, टंग जो है असल में वो उसे पीछे पुश कर रही होती है। इस प्रोसेस को आप स्वेलोइंग या डीग्लुटेशन का नाम देते हैं। दिस इज अ वॉलंटरी प्रोसेस, ठीक है, ये आपके कंट्रोल में होता है, दिस इज नॉट इनवॉलंटरी कि खुद ब खुद खाना जो है वो स्वेलो होना शुरू हो जाएगा। स्वेलोइंग जो है ये आप खुद से करते हैं, वॉलंटरी प्रोसेस है। और एक बार स्वेलिंग हो जाती है तो उसके बाद फिर आगे की जो मूवमेंट है फूड की वो आपकी कंट्रोल में नहीं होती, वो इनवॉलंटरी होती है, बट स्वेलोइंग जो है दिस इज अ वॉलंटरी प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता क्या क्या है, मैस्टिकेशन बंद हो जाती है, ठीक है, चबाना बंद हो जाता है, दांत जो है वो अपना काम बंद कर देते हैं। जो एयर का पैसेज है, एक एयर का पैसेज जो है वो नोज से है, इसको भी ब्लॉक किया जाता है, और एक एयर का पैसेज जो है वो ट्रेकिया के अंदर है, लैरिंग्स के अंदर है, उसको भी ब्लॉक किया जाता है। तो एयर का पैसेज जो है वो टेम्परेरली ब्लॉक किया जाता है। जो बोलस है, जो खाने की एक बॉल बनी हुई है, उसको टंग जो है वो पीछे की तरफ पुश करती है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, आपका जो खाना है वो फेरिंग्स सॉरी नोज से ना निकला है, ठीक है। यहाँ से अगर खाना अंदर जा रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ से वापस भी आ सकता है, जैसे बच्चों के अंदर होता है कि
कि वो दूध जब पीते हैं तो वो दूध कभी कभी नाक से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या होता है, ये जो यूवेला है, ठीक है, ये जो पूरा सॉफ्ट पैलेट है ना, इसको रेज किया जाता है। जब इसको रेज किया जाता है तो ये जो फेरिंग्स की पिछली दीवार है ये इसके साथ जाके मिल जाता है। जब ये इसके साथ जाके मिल जाता है तो खाने के लिए ऊपर से आना जो है, इस रास्ते से आना जो है, ये इम्पॉसिबल हो जाता है। तो जो बोलस है वो नेजल फेरिंग्स के अंदर ना जाए, वो कौन मेक श्योर करता है, वो मेक श्योर करता है सॉफ्ट पैलेट। तो सॉफ्ट पैलेट जो है वो एलिवेट होता है और जो फेरिंग्स की पिछली दीवार है उसके साथ जाकर ये अटैच हो जाता है। तो खाना जो है वो ऊपर की तरफ मूव नहीं कर सकता, तो अब खाना एक ही रास्ते में जाएगा, वो जाएगा फेरिंग्स के अंदर। इसके साथ साथ जो आपका लैरिंग्स है, लैरिंग्स क्या होता है, ट्रैकिया के ऊपर जो वॉइस बॉक्स होता है हमारा, जिसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, एपिग्लॉटिस होता है, तो ये हिस्सा जो है ये लैरिंग्स कहलाता है। लैरिंग्स जो है वो ऊपर की तरफ भी उठता है और आगे की तरफ भी होता है, मैं दिखाता हूँ अभी एक इमेज के जरिए। और एक कवरिंग होती है जिसको आप एपिग्लॉटिस कहते हैं, इसकी इसके अंदर इमेज के अंदर अच्छा नहीं दिया हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ एक बेटर इमेज ढूंढ के। ओके, सो दिस इज अ गुड डायग्राम व्हिच इलस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग। सो दिस इज द नॉर्मल डायग्राम, दिस इज द नॉर्मल एनाटॉमी। ये नेजल कैविटी है, दिस एरिया इज द ओरल कैविटी, दिस इज द टंग, ये हार्ट पैलेट है, हार्ट पैलेट के पीछे सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट के साथ ये यूवेला है, एंड दिस होल एरिया इज नोन एज द फेरिंग्स। इसमें ये नेसोफेरिंग्स है, दिस एरिया इज द ओरोफेरिंग्स, और ये आपका लैरिंगोफेरिंग्स है। अच्छा, अब इसके अंदर दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल आगे की तरफ जो है हमारे पास दिस स्मॉल एरिया, ये यहाँ से आपका एसोफेगस होगा, ठीक है। और ये एरिया जो है आगे की तरफ, दिस इज द विंड पाइप विच इज नोन एज द ट्रैकिया, और ट्रैकिया के ऊपर जो है आपका ये लैरिंग्स होगा। लैरिंग्स की ओपनिंग होती है वो आपका कहलाता है ग्लॉटिस, और उसके ऊपर दिस कवरिंग, दिस इज नोन एज द एपिग्लॉटिस। ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज द एपिग्लॉटिस। सो वी विल सी के इन चीजों के अंदर क्या मूवमेंट आते हैं, इन स्ट्रक्चर्स में जो है वो क्या चेंजेस आते हैं। सो दिस इज द सेकंड डायग्राम, दिस इज द फूड जो कि आपने मेस्टिकेट कर लिया और अब आप स्वेलो करना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज के अंदर देखेंगे तो ये यहाँ पे पहुंच गया, टंग जो है वो इसे पीछे की तरफ पुश कर रही है। अब इसमें चूंकि ये नेजल कैविटी के अंदर आ सकती है, यहाँ पे देखें ये पैसेज खुला हुआ था, इसके अंदर ये पैसेज बंद हो गया, क्योंकि जो यूविला है वो जाके फेरिंग्स के साथ जो है वो अटैच हो गया, जिसकी वजह से ऊपर जाने का रास्ता जो है वो बंद हो गया, अब सिर्फ नीचे जाने का रास्ता है। अब नीचे जाने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है कि ये आगे की तरफ जा सकता है, चूंकि विंड पाइप है जो कि ट्रैकिया है उसके अंदर जा सकता है ग्लॉटिस के जरिए, जिसे ओपनिंग कहा जाता है, और एक पीछे की तरफ जाने वाला ये वाला रास्ता है जिसको आप कहते हैं इसोफेगस, ठीक है। तो जब ये आगे की तरफ मूव करता है तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपका, जिसको आप कहते हैं एपिग्लॉटिस, जो कि लैरिंग्स की एक कार्टिलेज होती है, तो ये एपिग्लॉटिस जो है, ये लैरिंग्स एक तो एंटीरियरली मूव करता है, ये जो पूरा लैरिंग्स है ये आगे की तरफ मूव करता है और अपवर्ड मूव करता है, एंटीरियर एंड अपवर्ड मूव करता है। और जब ये फूड बोलस आता है तो ये लैरिंग्स जो है ये इस ग्लॉटिस, इस ओपनिंग को कम्प्लीटली कवर कर लेता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो ब्लू स्ट्रक्चर था उसने इस ओपनिंग को कम्प्लीटली कवर कर लिया, तो इस फूड बोलस के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है इस इसोफेगस के अंदर जाने का। ये जो बारीक सा रास्ता आपको नजर आ रहा है, दिस इज इसोफेगस, तो वो इसोफेगस के अंदर जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता इस फूड बोलस के पास नहीं है। यही इस डायग्राम के अंदर भी जो है वो बताया गया। ये आपका कुछ लिक्विड है जो कि ये स्वेलो कर रहा है, दिस इज अगेन जो यूविला है वो जाके पोस्टीरियर वॉल के साथ मिल गया है, एंड दिस इज द एपिग्लॉटिस। तो ये एपिग्लॉटिस जो है ये कम्प्लीटली कवर कर रहा है इस ग्लॉटिस को, इस कवरिंग को, तो जो भी लिक्विड है उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है इसोफेगस के अंदर जाने का। सो दिस इज द स्वेलोइंग, और इसके अंदर फेरिंग्स का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो स्वेलोइंग तो वॉलंट्री था, लेकिन इसके आगे जो आप खाने की मूवमेंट होगी वो आपकी इनवॉलंट्री होगी, क्योंकि उसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, और स्मूथ मसल्स जो हैं वो आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम से सप्लाई नहीं होते, बल्कि जो स्मूथ मसल्स हैं वो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से सप्लाई होते हैं, जो कि आपके इख्तियार में नहीं होता। तो उस मूवमेंट को जो अब आगे शुरू हो जाएगी उसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। पेरिस्टाल्सिस जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, जो कि एक रिदम के अंदर होती है। जिस तरह आपका हार्ट है कॉन्ट्रैक्ट करता है रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है रिलैक्स करता है, बिल्कुल इसी तरह आपकी जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसका ये पार्ट यहाँ पे खाना है, ठीक है, ये डिस्टेंड हो गया, ठीक है, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये खाना जो है ये खाना जो है ये आगे के पार्ट के अंदर चला जाएगा, और ये पिछला वाला पार्ट जो है ये रिलैक्स करेगा। तो ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है
जो कि खाने को आगे की तरफ पुश करती है, ये कहलाती है आपकी पेरिस्टाल्सिस। और पेरिस्टाल्सिस जो है ये एक इनवॉलंटरी मूवमेंट है, और इसी की वजह से जो है वो खाना स्वेलोइंग के बाद एसोफेगस से होता हुआ जो है वो स्टमक के अंदर जाता है। इवन इंटेस्टाइन के अंदर भी जो है वो यही मूवमेंट होती है। हमारे पास पूरे नर्वस, पूरा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है उसके अंदर लेयर्स होती हैं। तो वो लेयर्स जो है वो कांस्टेंट है, एक म्यूकोजा होती है, ठीक है, उसके बाद सब म्यूकोजा होती है, उसके बाद मस्कुलैरिस होती है, और उसके बाद सेरोजा होती है, ठीक है। पूरे पूरा जो गट है उसकी जो दीवार है वो ये चार लेयर से मिलकर बनी होती है। ये आगे स्टमक के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट उसमें जो मस्कुलैरिस है उसके अंदर आमतौर पे दो तरह के मसल्स होते हैं, कहीं पे तीन तरह के मसल्स भी होते हैं। एक मसल्स वो होते हैं जिन्हें हम सर्कुलर मसल्स कहते हैं, अगर ये दीवार है, ठीक है, तो वो इस तरह से बिछे हुए होंगे, और एक होते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल जो कि इस तरह से लगे हुए होते हैं। तो मस्कुलर लेयर जो है वो दो लेयर से बनी हुई है, सर्कुलर मसल होती है जो कि आउटर लेयर होती है, और लॉन्गिट्यूडनल मसल होते हैं जो कि सॉरी इनर लेयर जो है वो सर्कुलर मसल से बनी होती है, और आउटर लेयर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल से बनी हुई होती है। अच्छा, स्टिमुलस क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस जो है ये जो मूवमेंट हो रही है इसके लिए स्टिमुलस क्या है? तो स्टिमुलस है डिस्टेंशन। खाना जो है वो जिस भी पार्ट के अंदर आता है, फॉर एग्जाम्पल ये पहला पार्ट है जिसके अंदर खाना आया है, तो वो इसको डिस्टेंड करेगा। कोई भी जो इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है उसको अगर आप खींचते हैं तो वो वापस अपनी जगह पे आना चाहता है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से बिहेव कर रहा है, जब खाना जो है वो इसको डिस्टेंड करता है, फैलाता है, तो ये वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आना चाहता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो खाना आगे मूव करता है, ये खाना जो है वो अगले पार्ट को डिस्टेंड करता है, अगेन ये वापस आना चाहता है अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और खाना आगे मूव करता है। सो दिस इज हाउ पेरिस्टाल्सिस जो है वो फूड को मूव करता है आगे, ठीक है। अब डिस्टेंशन जो होती है वो क्यों होती है? वो रिलैक्सेशन की वजह से होती है, सर्कुलर जो मसल्स है उनकी रिलैक्सेशन की वजह से डिस्टेंशन होती है, और जो कॉन्ट्रैक्शन है जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उस वक्त, और जब खाना जो है वो आगे मूव किया जाता है तो सर्कुलर मसल्स जो हैं बोलस से पीछे वाले जो सर्कुलर मसल्स हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स करते हैं। इसकी भी एक बेटर डायग्राम देख, सो दिस इज अ गुड इमेज विच एक्सप्लेन्स के जिस पॉइंट के ऊपर बोलस मौजूद है वहां के सर्कुलर मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हुए हुए हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जबकि बिहाइंड द बोलस यानी जहां से बोलस आ रहा है आपकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है फूड की मूवमेंट की, और बिहाइंड द बोलस जो है वो सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो दीज आर द सर्कुलर मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब ये सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पुश करेंगे आगे इस बोलस को। तो सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं, एंड दिस बोलस विल बी मूव फॉरवर्ड। सो दिस इज हाउ पेरिस्टाल्सिस होता है, और पूरी की पूरी जो इंटेस्टाइन है, पूरा का पूरा जो GI ट्रैक है उसके अंदर फूड की मूवमेंट जो है वो आगे होती है। यही मूवमेंट अगर रिवर्स हो जाए तो उसे एंटी पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। समटाइम्स ये ओवर ईटिंग की वजह से होता है, समटाइम्स GI इरिटेशन की वजह से होता है, जो कि किसी टॉक्सिन की वजह से भी हो सकती है, किसी केमिकल की वजह से भी हो सकती है, और किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से भी हो सकती है। तो इसमें ये होता है कि यही पेरिस्टाल्सिस जो कि फॉरवर्ड मूवमेंट थी, ये फिर बैकवर्ड मूवमेंट शुरू हो जाती है, जिसे एंटी पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। तो इनिशियली फीलिंग होती है जिसको नौजिया का नाम देते हैं। नौजिया का मतलब ये होता है कि आपको ऐसा फील हो रहा होता है कि फूड जो है वो एक्सपेल हो जाएगी, लेकिन जब तक फूड एक्सपेल नहीं होती तब तक वो नौजिया कहलाता है। जब फूड एक्सपेल हो जाती है माउथ से, तो फिर वो आपकी जो है वो वॉमिटिंग कहलाती है। तो ये इनवॉलेंट्री पूरा प्रोसेस जो है ये इनवॉलेंट्री होता है, और ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो है वो कंसिडर किया जाता है कि जो भी स्टमक है या इंटेस्टाइन है उसको हार्मफुल केमिकल से, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में जो कि रखा गया है, ठीक है जी। सो दिस इज एंटी पेरिस्टाल्सिस, यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बाकी जो पार्ट्स हैं उनकी बात करेंगे।